आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 39। सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट करेंगे। इसके अंदर मैंने एक ही बैलेंस शीट बना के दिखाया हुआ है फॉर्मेट में क्लोजिंग, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 39 में आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बना के ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में। अगर आपको ऑलरेडी बना के दिया हुआ है तो आपको जरूरत नहीं है कि आप क्लोजिंग भी ओपनिंग बनाओगे। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का पर्पस क्या होता है? सिर्फ एक ही पर्पस होता है, और ओपनिंग कैपिटल को निकालना, जो कि ओपनिंग बैलेंस शीट है तो निकालने की जरूरत है नहीं। तो मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट से स्टार्ट करूंगा 39 का। ओपनिंग बैलेंस शीट का यूज मैं बाद में करूंगा। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 39,000। अगर हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना होता तो ओपनिंग जो बैलेंस दे रखा है 39,000, इसको कहां शो करते हो? ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में, जो कि चेक करो देखो ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में ऑलरेडी मिल जाएगा, यानी इसका कोई ट्रांजेक्शन नहीं करना। इसके बाद सब्सक्रिप्शन 181, तो सब्सक्रिप्शन है इनकम है तो बाय साइड में लिख देता हूं सब्सक्रिप्शन 181। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सब्सक्रिप्शन पे एडजस्टमेंट हो चाहे ना हो, अपनी तरफ से चार लाइन छोड़ के चलना है सब्सक्रिप्शन के लिए, और एडजस्टमेंट है तो कम से कम तीन लाइन। एडजस्टमेंट हो चाहे ना हो उसके गैप दे देना, जगह बच जाएगा, लेकिन ये तो नहीं होगा ना कि कहीं आप काट पीट करके एडजस्ट कर रहे हो उसको, तो इस तरीके से करना है। इसके बाद सब्सक्रिप्शन के बाद कहता है सेल ऑफ ओल्ड मटीरियल 1500 रुपए का, तो इनकम है तो मैं चार लाइन मेरा यहां तक हो गया। बाय में सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल और ये 1500 रुपए का है। इसके बाद आगे देखूं मैं क्वेश्चन में, ध्यान से बोर्ड पे देखना, कहता है सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इक्विपमेंट एसेट्स। पहले जब मैं इस एसेट्स के बारे में बेचने खरीदने के लिए बताता था तो मैं बोलता था लॉस या प्रॉफिट कंसीडर करो, लेकिन अब अगर कोई भी एसेट्स बिकेगा, क्योंकि हम बैलेंस शीट भी बना रहे हैं तो उसके एडजस्टमेंट बैलेंस शीट तक जाएगा आपका, तो यानी इसके ऊपर मैं डॉट लगवा दूंगा। लेकिन फिलहाल इनकम एंड एक्सपेंडिचर में देखा जाए तो 10,000 वाला कितने का बेच दिया मैंने, तो 4 का मेरा क्या हो गया लॉस, तो उस लॉस को मैं यहां रिकॉर्ड करूंगा 2 लॉस ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, अमाउंट आ जाएगा। बाकी इसके ऊपर मैं स्टार बना देता हूं, स्टार इसलिए क्योंकि इसका एक एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में भी जाना है। अगर सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता तो मेरा काम खत्म हो गया था ये। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है ये, एंट्रेंस फीस 2000 रुपए नॉर्मल इनकम है, बाय एंट्रेंस फी 2000 रुपए। इसके बाद देखें एंट्रेंस फी के बाद आगे क्वेश्चन में कंटिन्यू में कहता है लाइफ मेंबरशिप फी 50,000। तो लाइफ मेंबरशिप फी क्या होता है हमारे लिए? लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी में लिखूंगा लाइफ मेंबर फी और 50,000 रुपए। इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन में कहता है डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, यानी एक स्पेसिफिक डोनेशन है, तो डोनेशन फॉर टूर्नामेंट मैं यहां लिख देता हूं डोनेशन, और ये 20,000 इनसाइड में लिखूंगा। हमेशा इनसाइड में इसलिए लिखेंगे, इसके ऊपर का खर्चा भी कई बार दे देता है, तो इसके अगर मैं बोलू एक्सपेंस फॉर डोनेशन तो कहां क्या करोगे, इसी में से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। पेमेंट साइड में देखते हैं वेजेस एंड सैलरी, तो वेजेस एंड सैलरी पे एक एडजस्टमेंट दे रखा है छोटा सा, तो वो एडजस्टमेंट है तो इसलिए मैं इसे अंदर लिखूंगा। टू साइड में वेजेस एंड सैलरी अमाउंट है 60,000। इसके बाद अपकीप ऑफ ग्राउंड, ये क्या होता है? अपकीप का मतलब होता है रख रखाओ, ग्राउंड मतलब मेरे पास कोई फील्ड वगैरह ग्राउंड होगा उसके रख रखाव पे खर्चा, तो अपकीप ऑफ ग्राउंड एडजस्टमेंट है कम से कम तीन लाइन, टू अपकीप ऑफ ग्राउंड एंड अपकीप ऑफ ग्राउंड इज 10,000। अपकीप ऑफ ग्राउंड के बाद स्टेशनरी, अगर स्टेशनरी का ओपनिंग बैलेंस देता क्लोजिंग बैलेंस देता तो कंज्यूम निकाल लेते हैं, यहां पे ओपनिंग क्लोजिंग तो कुछ है नहीं, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा यहां पे टू
स्टेशनरी और अमाउंट अमाउंट है स्टेशनरी का 15,000। चलिए स्टेशनरी भी हो गया। स्टेशनरी के बाद कहता है ऑडिट फी, नॉर्मल खर्चा है। दो हजार ऑडिट फी के बाद कहता है एक्सपेंस ऑन टीम। अब कई बार आपके मन में लगेगा टूर्नामेंट फंड था, अब खर्चा भी टीम के ऊपर हो रहा है तो लगभग लगभग मिलता जुलता है, ऐसा नहीं है। जब तक आपको टूर्नामेंट एक्सपेंस ना बोले माइनस नहीं करना। एक्सपेंस ऑन टीम, क्या पता किसी और का टीम हो, हमें तो पता नहीं। तो एक्सपेंस और टीम और टूर्नामेंट डोनेशन आपस में कोई लिंक नहीं है। तो मैं यहां पे एक्सपेंस ऑन टीम अमाउंट 65,000, समझ में आया। अगर मैं बोलता प्राइज पेड इन टूर्नामेंट, तब भी उसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ टूर्नामेंट एक्सपेंस ही माइनस होगा डोनेशन फॉर टूर्नामेंट में से। प्राइज पेड ऑन टूर्नामेंट काइंड ऑफ एक्सपेंस है, लेकिन वो टूर्नामेंट के लिए नहीं मिला हुआ है। इसके बाद आगे कहता है यहां पे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 20,000 रुपए का खरीदा है। 20,000 रुपए का खरीदा है तो हमेशा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, तो पहले मैं लिख देता हूं यहां पे स्पोर्ट्स स्पेस कम है तो मैं प्लस में परचेज, परचेज 20,000 रुपए का, ठीक है, अभी खरीदा है मैंने। इसके बाद आगे देखें 5% इन्वेस्टमेंट 40,000, तो इन्वेस्टमेंट मेरे लिए होता है एसेट्स, तो इस पे एडजस्टमेंट हो सकता है। 3 लाइन छोड़ देता हूं मैं, तो 5% इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है, लेकिन इसके अंदर डेट भी है, तो जब कभी भी डेट देगा ना इन्वेस्टमेंट पे कुछ भी दे तो उसी टाइम कर लेना। कई बार क्या होता है हम करते करते बाद में भूल ही जाते हैं एडजस्टमेंट, तो मैं तो अभी करके रखूंगा इसे ताकि बाद में भूलने का कोई चक्कर ही ना हो। तो 40,000 पे 5% इंटू 6/2, तो आ गया 1,000 रुपए। तो बाय एक्रूड इंटरेस्ट 1,000, और ये एक्रूड एसेट्स में भी आ जाएगा 1,000 रुपए। ध्यान से इसको देखना आप। अब लास्ट में दे रखा है कैश इन बैंक 87,500, तो मैं लिख देता हूं यहां पे कैश एट बैंक 87,500। ध्यान से अब ओपनिंग बैलेंस शीट देखेंगे, तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट है, ये एडजस्टमेंट का पार्ट है या नहीं है। एडजस्टमेंट का तो पार्ट नहीं, अगर एडजस्टमेंट का पार्ट होगा तो कितनी एंट्री करेंगे, डबल। सिंपल करना है इसे, ध्यान से बिल्कुल देखना मैं कैसे करूंगा। कैपिटल फंड क्या यूज होगा हमारा, बिल्कुल होगा। क्लोजिंग बैलेंस शीट में अमाउंट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट कहता है ये टूर्नामेंट फंड, यानी पुराना टूर्नामेंट फंड है हमारे पास, तो कोई भी फिक्स ऐसा कोई फंड हो तो ऑटोमेटिकली अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो पहले टूर्नामेंट फंड था, तो यहां पे मैं लिख देता हूं टूर्नामेंट फंड। टूर्नामेंट फंड पुराना कितने का है, 60, और ये 20। इसके बाद देखें सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। एडवांस का मतलब ये कौन से बैलेंस शीट में एडवांस है, तो ओपनिंग एडवांस होगा। तो ओपनिंग एडवांस क्या करते हैं हम, एड ओपनिंग एडवांस कितने का, 6,000। तो देखो ओपनिंग बैलेंस शीट का भी सारा इस्तेमाल करता जाऊंगा मैं धीरे धीरे। इसके बाद देता है सैलरी अनपेड। अनपेड का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग। कौन सा आउटस्टैंडिंग है, ओपनिंग क्लोजिंग, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी में से माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग अमाउंट 11। तो ये देखो लाइबिलिटी साइड में ऐसा नहीं कि ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखा है तो टेंशन खत्म, उसका भी इंफॉर्मेशन यूज करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे हम अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में या फिर बैलेंस शीट में जहां भी दे रखा हो। अब मैं एसेट साइड पे चलता हूं, देखो एसेट्स में कहता है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 50,000 एसेट्स है मेरे ख्याल ये, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट फिक्स एसेट्स है, तो ओपनिंग में तो क्लोजिंग में भी तो होगा, तो मैं क्लोजिंग में भी लिख देता हूं
यानी ये टोटल 70,000 का हो गया। चलो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं ग्राउंड्स 1,20,000। ग्राउंड्स क्या है? फील्ड एसेट्स है, तो ओपनिंग में है तो क्लोजिंग में भी होगा। तो ग्राउंड 1,20,000। इसके बाद ग्राउंड के बाद आगे देखते हैं बिलियार्ड टेबल, ये क्या है? एसेट्स। बिलियार्ड टेबल क्या होता है आपने देखा हो, जैसे कैरम खेलते हैं तो इसमें पूल के टाइप से खेला जाता है, तो बिलियार्ड टेबल भी हमारा फिक्स होता है ना, तो फिक्स एसेट से बिलियार्ड टेबल। अमाउंट 60,000 रुपए, इस पे एडजस्टमेंट मैंने देख लिया इसलिए मैंने अंदर लिखा है। बिलियार्ड टेबल के बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, कौन सा आउटस्टैंडिंग क्या होना चाहिए? माइनस। अमाउंट देखो, इसके बाद कैश बैलेंस 39, इसका तो कोई यूज करते नहीं। अब एडजस्टमेंट पे आ जाएंगे, एक बार फिर से आप चेक करो ओपनिंग बैलेंस शीट का आइटम मैंने कैसे कैसे ट्रांसफर किया, किसी को डाउट है तो पूछो एक बार, मैच करते जाओ फटाफट ओपनिंग बैलेंस शीट को मैंने कैसे कैसे प्लस किया है, किससे रिलेटेड था, माइंड में कैलकुलेशन करो इसकी। ये करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स कभी भी हमारा ओपनिंग से क्लोजिंग में नहीं जाता, करेंगे नहीं, ओपनिंग में हो चुका है नोट, ये तो नहीं बैलेंस शीट ओपनिंग में तो है ये। हाँ जी टैली करो फटाफट से, कौन कौन से आइटम को मैं कैसे कैसे लिखा, मैंने सिंगल ही एंट्री करा है, डबल नहीं करा मैंने। अभी करेंगे एडजस्टमेंट से, देख लिया, किसी को कोई डाउट? अब एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट की डबल एंट्री। एडजस्टमेंट में कहता है सब्सक्रिप्शन स्टिल टू बी रिसीव 5,500 रुपए, अभी भी लेना बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग कौन से वाला? क्लोजिंग, तो क्या होना चाहिए? प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितने का? डबल एंट्री कहां जाएगा? बैलेंस शीट के क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन। इसके बाद आगे क्या कहता है हमारे क्वेश्चन में, 4,000 फॉर नेक्स्ट ईयर, अगले साल के लिए कितना है? 4,000। तो नेक्स्ट ईयर के लिए मतलब एडवांस, कौन सा एडवांस क्या होना चाहिए? क्लोजिंग एडवांस कितने का? 4,000 का। इसके बाद डबल एंट्री सोचो, क्लोजिंग एडवांस 4,000, ठीक है, डबल एंट्री साथ के साथ करते जाएंगे। कहता है ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट नहीं, सैलरी अनपेड 6,000, कौन से इसका? पिछले साल का तो अनपेड था नहीं, क्योंकि पिछले साल का बैलेंस शीट से ले लिया, ये कब का होगा? तो क्लोजिंग को क्या करना है? 6,000 रुपए, और डबल एंट्री बताओ कहां लिखूं मैं इसका डबल एंट्री? आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000। अब आ जाओ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, मैंने अभी स्टार भी बनाया हुआ है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे, कहां गया ये रहा। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कहता है कि 10,000 रुपए का तो मैंने बेच ही दिया है, लेकिन कितने का बेचा? 6 का ना, तो 10 का बिक चुका है हमारा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, टोटल 70 का था पुराना नया मिला के, जिसमें से तो 10,000 का बिक ही चुका है सोल्ड, 10,000 रुपए का नहीं बिका लेकिन 10,000 का सामान तो निकल गया ना मेरा, तो बचा कितने का? 60,000 का। क्वेश्चन बोलता है जी अब 45 का है, ये एडजस्टमेंट में बोलता है अब कितने का है? नाउ इट इज वैल्यूड 45,000, तो अब कितने का है? 45 का, तो इसका मतलब इस पे डेप लग गया, और डेप कितना लग गया होगा? तो ये 45 का बच गया, तो डबल एंट्री तो करना बनता है इसका, डबल एंट्री कहां करेंगे? टू डेप ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट,
15,000 रुपये। चलिए अब आगे देखते हैं, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन और बैलेंस शीट। लेकिन डेप्रिसिएशन बिलियर्ड टेबल पर 10% है, तो यहां पे लगाएंगे क्या कर दे, माइनस डेप्रिसिएशन 6,000। डबल एंट्री करें या नहीं करें, कहां जाएगा, एक्सपेंडिचर में, टू डेप ऑन बिलियर्ड टेबल 6,000। चलिए सारा एडजस्टमेंट हो चुका है। एक्रूड इंटरेस्ट जो कि भूल जाते थे हर बार, वो हम पहले ही कर चुके हैं इस बार। फटाफट से नोटबुक पे टोटलिंग स्टार्ट कर दे, कोई बच्चा टोटलिंग स्टार्ट कर दे इस साइड का, कोई स्टूडेंट टोटलिंग स्टार्ट कर दे इसका, कोई अलग अलग टोटलिंग करके बताते जाना। मैं जो मैं कर सकता हूं वो मैं बता देता हूं। इसका टोटलिंग सब्सक्रिप्शन का टोटलिंग सरप्लस का टोटलिंग बताओ जल्दी। अरे इतने सारे बच्चे, एक भी बच्चा नहीं कर पा रहा सरप्लस का टोटलिंग। कितना, 1,80,500 टोटल कर लेते हैं। ये मैं कर देता हूं 1,80,500, 1,82,84,85, 1,00,000। फटाफट माइनस करके बताओ, माइनस करके किसने बताया 13,000, कितना 6,659। चलो ये तो लिख दिया मैंने, इसमें तो कुछ आना नहीं है। सरप्लस बताओ कौन बता रहा था अभी 13,000। अब बताओ फटाफट इसका टोटल करके माइनस करके चेक करके बताओ। थ्री फिफ्टी थ्री है, ये तो गलती किसी ने करा है, पता नहीं कौन कौन सा आंसर दे। 6 आप कहां देख रहे हो, 353 है। जल्दी करें आप इसका सरप्लस। अरे नोट कहीं थोड़ी मैं मिटा थोड़ी ना हूं, सरप्लस निकालो फटाफट। कर लिया टोटल, टोटल 1,85 है इसका टोटल। अब इसमें ऐड कर देंगे, दो लाख 13,000 इसका टोटल कर लो आप। दो 13 और 50, 2,63, 90, 1,00,000, 2,63, 3,53, इसका भी कर लो आप। एसेट साइड का कुछ बच्चे बता रहे थे, पता नहीं कुछ अलग बता रहे थे वो, तो 40,000, 45, 95, 1,20, 96, 53। अब फटाफट से इसको नोट करिए, ये कौन सा क्वेश्चन था, ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखा था, तो ओपनिंग बैलेंस शीट का कोई काम था या बहुत ज्यादा काम था, बहुत ज्यादा काम था, सारा इंफॉर्मेशन मैंने यूज कर लिया वहां से, तो नोट करिए फटाफट।